Hi guys, welcome to my YouTube channel and welcome to another vlog. So guys, आज का जो vlog होगा वो ये होगा कि मेरे पापा को मुझे blood test के लिए लेकर जाना है. कल dialysis करते वक्त डॉक्टर ने कुछ test लिखा था, उसे करवाना है. Every month में 2 or 3 times blood test करते हैं, तो कल लिख दिया था, इसलिए आज हम उसे करने जाएंगे. उसके बाद मैं पापा को वहां से घर भेज दूंगी और मैं अपना काम करूंगी. तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम कुछ न्यूज कवर करने वाले हैं, तो देखते हैं आगे व्लॉग में क्या होता है. आप भी स्टे ट्यून रहिए और इसी तरह देखते रहिए. तो मैं अभी अपना मास्क पहन लेती हूँ. गाइस, मास्क तो हमें हमेशा पहनना ही है, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ. तो आप लोग भी मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलिएगा. तो चलिए चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं. पौधा आ जाइए, हेकुम दो अच्छी दाए मुहिम गए जैसे तो नहीं हो रहा है ना. दो इसको कॉपी को दो. ऑटो बुला दिया. तो गाइस, ये है वो जगह जहाँ पे पापा करेंगे ब्लड टेस्ट. हम पहुंच चुके हैं. तो फाइनली गाइस टेस्ट ले लिया है. खुला है दो नाम दवाई ददला है. तो इंतला है भैया, पोलो पोलो नहीं जाना है. हाँ क्या बोला तो गाइस, हमारा प्लानिंग कैंसिल हो गया है. कैंसिल नहीं हुआ है, एक्चुअली कल है प्रोग्राम. तो हम अभी ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ पे हम शॉर्ट वीडियो शूट करेंगे, उसके बाद हम अपने पेज में डालेंगे. और कुछ बोला. हाँ, कल है 11, तो श्योर आप वैक्सीन लेने जरूर जाए. अगर आपकी हो गई है उम्र 45+, तो यही कहना चाहूँगी. उसके बाद देखते हैं आज का व्लॉग हमें कहाँ ले जाता है. ऑफिस आज वैसे तो जाएंगे होंगे हम. आज सैटरडे है, सैटरडे है, लेकिन पहली बार हम बहुत अर्ली जा रहे हैं ना. कंपेयर टू अदर डे हम बहुत अर्ली जा रहे हैं. और देखते हैं, बाद में वादा तो नहीं करते, क्योंकि जितना हम वादा करते हैं ना, अभी ये करेगा उल्टा ही होता है, कैंसिल होते रहते हैं. तो वीडियो बनाने के बाद हम निकल जाएंगे ऑफिस में, नजर नहीं बैठेंगे ना. Yeah, it's weekend. तो एंजॉय करना है. एंजॉय करेंगे आज हम दोनों. सो केनी जी का एंजॉयमेंट देखना है तो स्टे ट्यून. तो गाइस, अभी हम चल रहे हैं हमारे ऑफिस की चढ़ाई जगह से और हम पी रहे हैं नींबू पानी. केनी मैडम बहुत थक गई है. बहुत थक चुकी हूँ मैं. अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ही जरूरी है, वरना डिहाइड्रेशन हो जाएगी. मारे तू क्या करेगा. ये है हमारा ऑफिस का रास्ता, बहुत ही अभी सुंदर और प्यारा हो गया है. फिर भी चढ़ाई तो चढ़ाई ही है. चढ़ाई तो चढ़ाई रहेगी, प्लेन कैसी होगी. पर
पहले से तो बहुत ज्यादा बेटर हो गया ना चलने में, नहीं तो अभी हम यहाँ से इस तरह होके चल रहे होते। तो गाइस हम पहुंच गए हैं और हम एंजॉय करेंगे नींबू पानी का। और केनी मैडम ने लाया है डार्क फैंटेसी, पता नहीं उन्हें किसी किसी ने दिया है कहाँ है। तो हम भी मिलकर एंजॉय करते हैं ये डार्क फैंटेसी। फाइनली हमारा काम खत्म हो चुका है गाइस, और अभी हम जा रहे हैं और उन्हें कुछ काम होकर वो फिर घुस गई है। आई डोंट नो, शुड बी बैक। गाइस देखिए ना, मैं अपनी चार्जर भूल रही थी ऑफिस में, एंड माय लाइफ सेवर मिस केनी मैडम ने ला दी है। इट्स रियली वेरी नाइस। आई एम थिंकिंग कि मैं इसे शादी कर लूं। क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगे? मुझसे शादी करोगे? ओह माय गॉड। अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं हमें कहाँ लेके जाता है आज का ये रास्ता। ले जाएगी हवाएं, हम चलेंगे वहाँ। ये है व्यू गाइस, देखिए बहुत ही सुंदर है हमारा ऑफिस का एरिया। और केनी मैडम काफी आज रोमांटिक फील कर रही है, आई डोंट नो व्हाई। चलिए देखते हैं हम कहाँ जाते हैं गाइस, आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। हमारे जेब में जितने पैसे होंगे उतनी जगह भी जाएंगे। ठीक है, तो हम वापस जगह चले जाएंगे। तो गाइस हमने डिसाइड किया है कि अभी हम कॉफी पीने के लिए जी एक्सटेंशन के पास में नाहरलगन में ही एक मासा करके नाम का एक रेस्टोरेंट है, हम वहां जाएंगे। तो मैडम जी क्या कहना चाहेंगे इस वाक्य पर, आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? तो जैसे मैंने बताया था आपको कि हवाएं जहां ले जाएंगी हम वहीं चलेंगे, तो हवा का रुख आज जी जा रहे हैं। Maybe. चलो लेट्स सी क्या होता है, और हम वहाँ पूछ कर देखते हैं कि हम अंदर पे वीडियो बना सकते हैं कि नहीं। अगर वो लोग कहते हैं कि मत बनाओ तो हम नहीं बना पाएंगे, अगर कहता है कि हाँ बना सकते हैं तो हम बनाएंगे। सो लेट्स गो। चलो दोस्त है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जो ये रेस्टोरेंट खुला है मार्क रेस्टोरेंट, यहाँ पे पहले एक ऐसा ही जो बिल्डिंग होता है ना पेरिस हुआ करता था, मुझे इसलिए याद है ज्यादा क्योंकि ये बगल में एक पार्लर है, वहाँ पे मेरी नीस को उसके साथ बहुत ही प्यारा सा जो मेमोरीज है मैं शेयर करना चाहती हूँ। उसकी जो एयर प्रेसिंग हुई थी ना यही पे हुई थी, और वो बिल्कुल भी रोई नहीं थी। और बगल वाले पार्लर शायद अभी भी होंगे तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं खाने के बाद पार्लर पे जा सकते।
लिए आपको सुंदर बनाने के लिए आप लोग माया भी जा सकते हैं। सो गाइस, आज मैं पहली बार अपने मोबाइल स्टैंड जो दिन मैंने लिया था उससे एक रेस्टोरेंट में बना रही हूँ वीडियो। थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही हूँ पब्लिक के सामने, लेकिन मेरे साथ मेरी फ्रेंड है जो मुझे हौसला दे रही है कि बनाओ बनाओ, तो इसलिए मैं बना रही। और हम अभी बात कर रहे हैं इसलिए मास्क खोल रही हूँ। हाँ, और यहाँ पे सब जगह कटे लगे हुए हैं जो प्लास्टिक की कटे हैं, तो कोरोना लगने का चांस थोड़ा कम है। थैंक यू भैया, वेरी थैंक यू। गाइस, हमने ऑर्डर किया है कोल्ड कॉफी और मैडम खा रही है वेज थुप्पा और मैंने मंगाया है मिक्स था। टेस्ट करके देखते हैं हमारा कोल्ड कॉफी। चलिए, चीयर्स। चीयर्स। दिल्ली में कोल्ड कॉफी। आज का वेदर लेकिन इतना सनी वाला नहीं है, लेकिन बहुत गर्मी है ना। तो गाइस, आवर फूड इज हियर। बंद करते हैं। आपका दिखा रहा था मतलब गाइस, हम निकल गए हैं मासा से और अभी हम जा रहे हैं घर। कि नहीं मैडम, भी अपना घर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। पता करो। सो गाइस, अभी समय हुआ है 4:30 PM और मैं तैयार हो गई हूँ। फिर से मैंने चेंज कर लिया कुछ कंफर्टेबल क्लोथ्स में और मुझे जाना है गाना सीखने, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो मैंने ले लिया फिर से अपना बैग और यहाँ पे मैं कैरी करूंगी मेरा सॉन्ग कॉपी। छाता मैं नहीं भूलूंगी क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा। कुछ सामान मैं निकाल लेती हूँ। मैंने बैग चेंज कर लिया है क्योंकि वो वाला छोटा पड़ गया। मैंने ये वाला बैग बुका है, वो वाले पे मेरा सॉन्ग कॉपी नहीं घुस रहा था इसीलिए। सो आई एम ऑलमोस्ट रेडी और मिलते हैं आप सभी को गाना सीखते वक्त। Worship you, I worship you.
प्यारी बच्ची, प्यारी बेटी ऐसे नहीं करते, कर दो लिपस्टिक। आपका नाम क्या है बता दो? It's tea time.